इस पूरे ब्रह्मांड में ये सात लोक है, इन सबके बीच में है पृथ्वी लोक, उसके तीन लोक नीचे और तीन लोक ऊपर, और पृथ्वी लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक। यहां पर अच्छी आत्माओं का वास है, या यूं कहे कि स्वर्ग लोक वैकुंठ का दूसरा नाम है, और स्वर्ग लोक के ऊपर है परीलोक। यहां पर घने बादलों में परियों का और सुंदरियों का वास है, और उसके ऊपर है देवलोक। यहां पर देवताओं के राजा इंद्र, उनके देवी देवता और उनकी गंधर्व और अप्सराएं राज्य के। एक बार देखो ऊपर है, इस पूरे ब्रह्मांड में ये सात लोक हैं, सबसे बीच में है पृथ्वी लोक, इसके नीचे है तीन लोक और ऊपर है तीन लोक। पृथ्वी लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक, यहां पर अच्छी आत्माएं वास करती है, या यूं कहे कि स्वर्ग लोक वैकुंठ का दूसरा नाम है। स्वर्ग लोक के ऊपर है परीलोक, यहां घने बादलों के बीच में अप्सराएं निवास करती है, और परीलोक के ऊपर है देवलोक, जहां पर देवताओं के राजा इंद्र, उनके देवी देवता और गंधर्व और अप्सराएं विराजते हैं। गंधर्व और अप्सराएं विराजती हैं। इन सबके बीच में है पृथ्वी लोक, और इस पृथ्वी लोक के नीचे है ये नरक लोक। यहां पर दानव और बुरी आत्माओं का वास है। यहां पर नाग लोक, जहां वैश्विक वासुकी नीचे है नागलोक। नागलोक नागलोक मतलब थोड़ा सा खींच देना नागलोक, और इसके नीचे है नागलोक, जहाँ वासुकी, शंखपा, शेषनाग, शंखचूड़ और महापदम के जैसे नाग, सॉरी मतलब